बिहार में शराब बंदी होने के बावजूद शराब तस्कर आए दिन नए नए तरकीब अपना रहे हैं। गोपालगंज की पुलिस ने एक जुगाड़ गाड़ी में बने तहखाने से शराब कार्टून को बरामद किया। यहां तक तो बात ठीक है, लेकिन शराब तस्करी के लिए जो तकनीक अपनाई गई उसे देखकर पुलिस ने भी अपना माथा पकड़ लिया। शराबबंदी वाले बिहार में पुलिस ने एक ऐसे शातिर शराब तस्कर को गिरफ्तार किया है जिसके शराब तस्करी का खेल देखकर पुलिस भी हैरत में पड़ गई। इस तरकीब को देखकर लोग कह रहे हैं, ये तो वही बात हो गई, कर ले जुगाड़ पी ले शराब। ये जुगाड़ गाड़ी सामान ढोने के लिए नहीं बनाई गई, इसे शराबबंदी वाले बिहार में शराब की तस्करी के लिए मॉडिफाई किया गया है। वैशाली जिले के रहने वाले ये शराब तस्कर जुगाड़ गाड़ी में तहखाना बनाकर शराब की तस्करी करता था, जिसे देखकर पुलिस की आंखें भी धोखा खा रही थी। लेकिन इस बार इसकी सारी चालाकी नाकाम साबित हुई। जुगाड़ गाड़ी को जब्त करने के बाद पुलिस ने जैसे ही लकड़ी की पटरी को हटाया वैसे ही तस्वीर साफ हो गई। पुलिस के बिछाए जाल में शातिर शराब तस्कर फंस गया था और उसे गिरफ्तार कर पुलिस ने हाथों में हथकड़ी पहना दिया। गिरफ्तार शराब तस्कर की पहचान वैशाली जिले के पातोपुर थाना क्षेत्र के बरडीहा तुर्की गांव के दयाशंकर राम के रूप में की गई। कुचाई कोर्ट में एक गाड़ी पकड़ी गई, खाली लग रही थी बाहर से देखने, लेकिन उसमें अंदर एक कारखाना बनाया हुआ था, इसमें से 5 कार्टून शराब बरामद हुई है और एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई। हम लोग उस शराब के सोर्स पर भी काम कर रहे हैं और यह भी पहचान कर रहे हैं उसकी शराब किसने दी थी, उस पर भी एक टीम काम कर रही है और इसका जो बैकवर्ड लीकेज है उसको भी हम लोग इस्टेब्लिश कर दिया। इसमें गिरफ्तारी करेंगे। शराब तस्कर आए दिन जो है तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। हाँ, उनका जो मॉडस ऑपरेंडाई है वो चेंज हो रहा है, लेकिन पुलिस भी सतर्क है और चीज़ों को बड़ी बारीकी से देखती है और उसी आधार पर जो हमारी टीम को शक हुआ और उसकी सघन तलाशी ले ली कि ये मामला सामने आया। अब पुलिस गिरफ्तार शराब तस्कर के ठिकानों पर छापेमारी और जुड़े तारों के साथ अन्य साथियों की तलाश भी शुरू कर दी है। साथ ही शराब की तस्करी रोकने के लिए यूपी बिहार समेकित चेक पोस्ट पर सख्ती बढ़ा दी गई है। गोपालगंज से सुनील तिवारी की रिपोर्ट, बिहार तक।